हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है कॉन्स्टेबल ड्राइवर, उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, एलबीटी कंडीशंस एंड नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन रीड करना है, जो कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा देंगे, और आप आवेदन करने के लिए भी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पे जो आपका पद रहेगा कॉन्स्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर एंड ड्राइवर के वर्क फॉर फायर सर्विस इन CISF में, इसके लिए आप आवेदन 23 जनवरी 2023 से कर सकते हैं, 22 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। मेल इंडियन सिटीजन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पे लेवल 3 का रहेगा, 21,700 बेसिक से 69,100 आपका यहाँ पे वेतन रहता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल्स, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके लिए हम बात करेंगे ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे, 451 टोटल वैकेंसी है आपकी। कॉन्स्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट के लिए 183, एंड कॉन्स्टेबल ड्राइवर पंप ऑपरेटर एंड ड्राइवर फोर्स फायर सर्विस में डायरेक्ट में 268 वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। फ्रेंड्स, एलबीटी क्राइटेरिया को केयरफुली चेक करेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स, एज 21 से 27 साल यहाँ पे आपकी रखी गई है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 27 साल आपकी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे आपकी 10th क्वालिफिकेशन पास आपके पास होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में। तो आपको इस CISF रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले यदि आप नए न्यू रजिस्टर्ड हैं तो न्यू पे आपको क्लिक करना होगा, और आपने ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आपको कॉन्स्टेबल ड्राइवर इस वाले पे क्लिक करना होगा। यदि आप न्यू हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप फ्रेंड्स अपना नाम नाम वेरीफाई करेंगे, नाम आपने कभी चेंज तो नहीं किया, यस या नो में आपको देना होगा। फादर नेम फिल करना होगा, फादर नेम कंफर्म वेरीफाई करना होगा, मदर नेम वेरीफाई करना होगा, DOB देना होगा, DOB डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना होगा, जेंडर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, और यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिए गए हैं इनको फिल करेंगे और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स सक्सेसफुली, आप अपने वेरीफाई कर लेंगे आधार कार्ड, आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी को, डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा कॉन्स्टेबल ड्राइवर इस वाले सेक्शन पे, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं रजिस्टर करने पे, और जो पासवर्ड आपने बनाए वो पासवर्ड्स आपको यहाँ पे फिल करने होंगे, और कैप्चर कोड्स को यहाँ आपको फिल करना होगा। फ्रेंड्स, कैप्चर कोड्स को आप यहाँ पे फिल करेंगे और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आवेदन करने के लिए अप्लाई क्लिक या टू अप्लाई आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनको आप रीड कर लेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे आपको नेम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। दो प्रेफरेंस आप दोनों ही से करना चाहते हैं बूथ से, तो आप यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड जो आपका प्रेफरेंस है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका नाम मदर फादर नेम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आप सिविल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और डिपार्टमेंट आर्मी या एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आप यहाँ पे आर्मी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट है, 10th है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। जो भी इसके लिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हैं, मिनिमम जो आपकी कंपलसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी जो रखी गई है 10th पास आपकी रखी गई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, हिंदू जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप जो भी आपका रिलीजन है उसको सेलेक्ट करेंगे। इनसे रिलेटेड हैं, विक्टिम है गुजरात के दंगों से 2002 के से, तो आप यहाँ यस में नो में करेंगे। हिल एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आप यस या नो में। एक सर्विस मैन है, CISF पर्सनल है, पर्सन तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर में आप काम करते हैं तो यस या नो में आपको यहाँ पे देना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो हमने सेलेक्ट करी थी ऑटोमेटिकली यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके यहाँ जो भी मार्क है आप फिल करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपना पोस्ट फिल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना स्टेट फिल करना होगा, और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, और पिन कोड आपको यहाँ पे देना होगा। फ्रेंड्स, पिन कोड फिल करने के बाद आपका यदि कॉरेस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा,
यहाँ पे आपको अपनी ड्राइविंग की डिटेल्स देनी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस की, मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस नंबर आपको देना होगा, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, नेम ऑफ द लाइसेंस, इशूइंग आरटीओ का नंबर आपको देना होगा, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू का आपका डेट देना होगा, आरटीओ नेम देना होगा, इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। हैवी मोटर व्हीकल से दूसरे लाइसेंस नंबर, उसके डेट कब इशू हुआ था, आरटीओ नेम आपको देना होगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ आईडी, कौन सा आईडी आप इसमें डालना चाहते हैं उस आईडी को सेलेक्ट करेंगे, आईडी नंबर आपको देना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो आपने फोटो यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें आपकी डेट ऑफ फोटो आपकी लिखी होनी चाहिए, डेट ऑफ प्रिंट जिस दिन आपने फोटो प्रिंट कराई है उसकी फोटो आपकी, और मोर देन आपकी लेटेस्ट फोटो ही आप अपडेट करें इसमें, इसका आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे यस या नो तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, और फोटो पे डेट आपकी प्रिंट होनी चाहिए जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई है फ्रेंड्स। उसके बाद इनसे रिलेटेड कोई है, क्रिमिनल केसेस वगैरह हैं आपके ऊपर, कभी आपको डिसमिस किया गया है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में, तो आप यहाँ टर्मिनेटेड किया है प्रोविजन टाइम में, तो आपको यहाँ पे देनी होगी डिटेल्स को, आपको यहाँ पे देना होगा और यहाँ पे टिक करना होगा, प्रिवेंट सेव पे आपको क्लिक करना होगा, डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल्स आपकी केयर प्रिव्यू हो जाएगी, केयरफुली सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, आपको लगता है सारी डिटेल ठीक है, उसके बाद आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे और ओके पे आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे करना होगा, फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे, जो यहाँ पे दी गई है डिटेल्स इनके हिसाब से आपके फोटो एंड सिग्नेचर होने चाहिए, और फोटो पे आपके डेट ऑफ प्रिंट आपकी होनी चाहिए 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो आप कोशिश करें लेटेस्ट फोटो यहाँ पे अपलोड करें फ्रेंड्स। आपको 10th की मार्कशीट पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी होगी, 1 MB से ज़्यादा का आपका साइज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स फाइल का, जो 10th की आप करेंगे पीडीएफ में करेंगे 1 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना, लेस देन यहाँ पे जो दी गई है उसमें आपके क्राइटेरिया में उसके हिसाब से आपके डिटेल्स होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपलोड करेंगे 10th का अपलोड हो जाएगा, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे 10th या जो भी आपने किया है, उसके बाद आप अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो क्राइटेरिया दिया गया है उसी क्राइटेरिया के वेब पे आप अपनी फोटोज़ को अपलोड करेंगे, एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा फ्रेंड्स। सिग्नेचर फोटो यहाँ पे आप 10th का क्लिक करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा 10th का मार्कशीट अपलोड करने के बाद। उसके बाद चूज फाइल पर जाना है, दोबारा से आपको यहाँ पे मार्कशीट या आपका जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा डिटेल्स। उसके बाद फोटो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो रखा हुआ है आपने खींच के उस पर क्लिक करेंगे, और फोटो आपका प्रिंटेड होना चाहिए, प्रिंट डेट ऑफ प्रिंट उस पर लिखा होना चाहिए, अपलोड पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा फोटो। उसके बाद सिग्नेचर पे जाएंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर आप सेलेक्ट करेंगे आपका सिग्नेचर, और यहाँ पे अपलोड पे आप क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पे के लिए आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जिस भी माध्यम से आप आवेदन करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं कार्ड से करना चाहता हूँ, तो SBI का डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे डेबिट करूँगा, कन्फर्म करूँगा, दोबारा से कन्फर्म करना होगा, और कार्ड डिटेल्स मेंशन करनी होगी, कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV, और जो करेक्टर्स यहाँ पे दिए गए उनको फिल करूँगा, पे पे क्लिक करूँगा, अब OTP प्राप्त होगा, OTP को उसमें फिल करना होगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसका फाइनल प्रिंट ले लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास सेव रखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाकी के डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं, और अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सपीरियंस 3 ईयर का आपके पास होना चाहिए, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है, जनरल SC एंड OBC कैंडिडेट एस्पेक्ट जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको 167 हाइट एंड चेस्ट 80 से 85 आपका होना चाहिए। एज रिडक्शन स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है, उसको आप चेक कर लेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको भी आप चेक कर लेंगे। नोटिफिकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स, फुल नोटिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई के बारे में हम बात कर चुके हैं, जोन्स, स्टेट वाइज जोन यहाँ पे दिए गए हैं, सेंटर्स की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या कैसे आपको चूज करना है, जो भी आप करना चाहते हैं उसके वेब पर आप कर सकते हैं। यदि आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, यदि आप
एसटीएससी या वुमेन है, सॉरी एस वुमेन तो है ही नहीं है इसमें, एसटीएससी और ई एसएम कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन, तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने होंगे फ्रेंड्स। लास्ट डेट की बात करेंगे, बिफोर 22 फरवरी 2023 से पहले आप आवेदन सबमिट कर दें तो आप ठीक रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी भी आपको हमारे वीडियो यहाँ पे आप देखेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको दिया गया है, आपको 800 मीटर की रनिंग रहेगी, 3 मिनट 15 सेकंड, लॉन्ग जंप 11 फीट का, 3 चांस, हाई जंप 3 फीट 6 इंच का, 3 चांस आपको यहाँ दिए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपकी यहाँ पे होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेलेक्शन ट्रेड टेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, ड्राइविंग टेस्ट लाइट व्हीकल 50 मार्क का, क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिए गए हैं, ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल 50 मार्क, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एबिलिटी के आउट ऑफ मेरे रिपेयर वगैरह से 30 मार्क का होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको। उसके बाद आपका आता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट आप देख लेंगे यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालाइजिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू एप्रिसिएशन, आपको यहाँ इंग्लिश और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कैंडिडेट्स हिंदी है ना, आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।